So once again, good morning everyone. Welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. So एक बार आप लोग बताएंगे कल की क्लास में हम लोगों ने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था? मेरे ख्याल से हम लोग 4 बार लिंकेज के लिए इंस्टेंटेनियस सेंटर फाइंड कर रहे थे. So लास्ट पॉइंट बता दीजिए, लास्ट पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था, उसके बाद में हम लोग आगे मूव करते हैं. कल की क्लास में लास्ट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था एक बार बता दीजिए. तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट करनी है? आई सेंटर इन 4 बार, ठीक है. इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी किया था, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी किया था. ओके ठीक है. सो मूव करते हैं थोड़ा सा आगे. अभी इसके अंदर कुछ और पॉइंट्स भी है जिनको आपको ऑब्जर्व करना था, उन्हें आप ऑब्जर्व करते हैं. देखिए यहां पर आपने लोकेशन ऑफ आई सेंटर डील कर लिया था, लेकिन लोकेशन ऑफ आई सेंटर के अलावा कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी और चर्चा की जा सकती है. यहां पर इसको हमने फिक्स कर दिया, ये बन गया पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी. लेट अस सपोज अगर ये पॉइंट आपके पास में, लेट अस सपोज अगर ये पॉइंट आपके पास में लिंक नंबर, ये लिंक नंबर एक है, ये आपका लिंक नंबर दो है, ये आपका लिंक नंबर तीन है और ये आपके लिए लिंक नंबर चार है. ये टोटल आपके पास में 4 लिंक है. So, इन 4 लिंक में अगर आप चर्चा करें तो सबसे पहले ये होगा आपका I12 इंस्टेंटेनियस सेंटर I12, ये होगा आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर I23, ये होगा आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर I34 और ये होगा आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर I14. तो ये टोटल 4 इंस्टेंटेनियस सेंटर होंगे. अगर आप बात करें I13 के लिए, तो बेसिकली I13 जो होगा उसके लिए आप लिंक नंबर 2 और लिंक नंबर 4 इन दोनों को मिला देंगे, ये बन जाएगा आपके लिए बेसिकली I13. देखिए कल मैंने आपको बताया था अगर आपको I13 लोकेट करना है, कल मैंने आपको बताया था अगर आपको I13 लोकेट करना है तो इसके लिए 1, 2, 3 एंड 4. 13 के लिए एक पेयर बनेगा 1, 2, 3, दूसरा पेयर बनेगा 1, 4, 3. तो आपने बोला एक पेयर बनेगा 1, 2, 3, दूसरा पेयर बनेगा 1, 4, 3. सो 1, 2, 3 से एसोसिएटेड जो भी आई सेंटर है वो होंगे I12, वो होंगे आपके पास में I12, वो होगा आपके पास में I23, I13. ये 3 इंस्टेंटेनियस सेंटर होंगे. सिमिलरली इससे एसोसिएटेड I14, I34 एंड I13, ये 3 इंस्टेंटेनियस सेंटर होंगे. सो बेसिकली एक तरीका तो ये होता है आप ऐसा बोले कि I12 I23 जिस लाइन पर होगा, 13 भी उसी लाइन पर होगा, I14 I34 जिस लाइन पर होगा, 13 भी उसी लाइन पर होगा. सो यहां पर
एक कॉमन पॉइंट आ रहा है जिसको आपने I13 बोल दिया, लेकिन कल मैंने यहां पर एक ऑल्टरनेट भी बताया था, वो ऑल्टरनेट क्या बोलता है, वन एंड थ्री, I13 के लिए वन एंड थ्री को छोड़ दीजिए, कौन कौन बच गया, टू एंड फोर, सो टू एंड फोर को मिला दो, वन एंड थ्री के लिए, I13 के लिए वन एंड थ्री को छोड़ दीजिए और टू एंड फोर को मिला दीजिए, टू एंड फोर जहां पर भी मिलेगा वो आपका I13 होगा। देखो टू इधर आगे जा रहा है, फोर कुछ इस तरीके से आगे जा रहा है, सो बेसिकली इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो इसी को क्या बोल देंगे आप, I13। इसी तरीके से अगर आपको फाइंड करना हो I24, तो कल इसके बारे में भी बताया था मैंने, I24 के लिए आपको एक पेयर बनाना पड़ेगा, देखिए आपको ये फाइंड करना है I24, तो एक पेयर बनेगा 214, 214, और दूसरा पेयर बनेगा आपके पास में 234, तो यहां से जो आई सेंटर बनेंगे वो होंगे बेटा आपके पास में I12, I14, I24। सिमिलरली इन दिस केस देर आर थ्री आई सेंटर्स, फर्स्ट वन इज I23, I34, I24। अकॉर्डिंग टू कैनेडीज थ्योरम, जिस लाइन के ऊपर I12 एंड I14 होने वाला है, जिस लाइन के ऊपर I12 और I14 होने वाला, उसी लाइन के ऊपर क्या होने वाला है आपके लिए I24, जिस लाइन के ऊपर I23 एंड I34 होने वाला है, उसी लाइन के ऊपर क्या होने वाला है I24। तो ये एक कॉमन पॉइंट आ रहा है जिसको आप क्या बोल रहे हो I24, ये कॉमन पॉइंट आने वाला है जिसको आप क्या बोल रहे हो यहां पर I24, I24। बताए यहां तक का पॉइंट समझ में आया नहीं आया, तो आप यहां से देखिए, आप ये भी बोल सकते हो जो शॉर्टकट अभी इसके लिए बताया, I24 के लिए टू एंड फोर को छोड़ दीजिए, लिंक नंबर वन एंड थ्री को मिला दो जहां पर भी मिल रहे हैं, ये देखो वन को आगे बढ़ा दिया, थ्री को आगे बढ़ा दिया, जहां पर भी मिल रहा है वो मिल जाएगा आपका I24। तो एक बार बताएंगे इतना पॉइंट क्लियर है या नहीं है, एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे इतना पॉइंट आप लोगों को क्लियर है या नहीं है, सभी स्टूडेंट्स चल बहुत बढ़िया, अगर इतना पॉइंट क्लियर तो आगे देखो, आगे देखिए आई सेंटर आपको सारे मिल गए। अब बेसिकली ये तो सब कल स्क्रीनशॉट आपने ले लिया था, ये सारे स्क्रीनशॉट आपने कल ले लिए थे। अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम, एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम वो भी कल आपने लिख ली थी। So, अगर मान लीजिए आपको बोला जाए लिंक नंबर टू और लिंक नंबर थ्री इसके बीच में एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम लगाओ, तो आप बोलेंगे टू एंड थ्री के बीच में जो एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम आएगा वो आएगा I12, सॉरी ओमेगा टू, टू को एक बार फिक्स के साथ I12, टू को एक बार जिसके साथ रिलेशन फाइंड कर रहे हैं I23 इक्वल्स टू ओमेगा थ्री, थ्री को एक बार फिक्स के साथ में 1 3 2 3, सो ये आपके पास में रिलेशन आ गया। ये जो रिलेशन है इस रिलेशन को आप ध्यान से देखिए, यहां पर ओमेगा टू है और यहां पर ओमेगा थ्री है, सो ओमेगा टू और ओमेगा थ्री में से अगर कोई एक गिवन हो तो दूसरा आप बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट क्या है यहां पर, पॉइंट ये है कि सर अगर ओमेगा टू की वैल्यू गिवन है तो ओमेगा टू कैलकुलेट तो कर लेंगे, लेकिन उसका सेंस, उसका रोटेशन, ये हमें कौन बताएगा, रोटेशन हम कैसे पहचानेंगे। सो बेसिकली उसके सेंस ऑफ रोटेशन को जानने के लिए हमने इसके अंदर फिर से स्टडी करना स्टार्ट किया, हमने कहा कि अगर हम लोग देखें हमें दो और तीन के लिए डिस्कशन करना है, तो लेट अस सपोज अगर दो के पास में क्लॉकवाइज रोटेशन है, लेट अस सपोज इफ ओमेगा टू इज क्लॉकवाइज, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होता है कि इन दोनों का जो कॉमन आई सेंटर होता है उसके ऊपर जाना होता है। अगर ये क्लॉकवाइज है तो आप कहेंगे कि सर वेलोसिटी ऑफ वी ऐसे होनी चाहिए,
तो लिंक नंबर दो का सेंटर ऑफ रोटेशन ये है। सो बी पॉइंट अगर ऐसा रोटेट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, लिंक नंबर दो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। लिंक नंबर तीन का सेंटर ऑफ रोटेशन ये है। अगर बी पॉइंट ऐसे रोटेट कर रहा है, इसका मतलब लिंक नंबर तीन काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो यहां से ऑब्जर्व कर क्या बोल सकते हो, अगर लिंक नंबर दो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो लिंक नंबर तीन कैसे रोटेट करेगा, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। बोलिए ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। बी को देखिए, लिंक नंबर दो के लिए सेंटर ऑफ रोटेशन आई वन टू, सो आई वन टू के लिए क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, सो इसके लिए सेंटर ऑफ रोटेशन होगा आई वन थ्री, सो वन थ्री के लिए ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये क्या करेगा, यहां पर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो आप बोल सकते हो कि सर ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है और इसके सेंटर ऑफ रोटेशन से जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो आपने यहां पर एक कॉन्सेप्ट बना दिया, जब आपके पास में आई टू थ्री को ऑब्जर्व किया जा रहा है तो आप चेक करेंगे यहां पर आई वन टू सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ दो नंबर, सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ तीन नंबर आई वन थ्री। अगर दोनों अपोजिट साइड है, अपोजिट टू आई टू थ्री, देखो एक टू थ्री से इस साइड है, एक टू थ्री से उस साइड है, अपोजिट टू आई टू थ्री, इन दैट केस सेंस ऑफ रोटेशन, सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ लिंक टू एंड लिंक थ्री आर अपोजिट। लिंक नंबर दो और लिंक नंबर तीन का जो सेंस होगा वो कैसा होगा, अपोजिट होगा। अगर लिंक नंबर दो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो लिंक नंबर तीन काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए आई वन टू एंड आई वन थ्री ये दोनों सेम साइड हो, सेम साइड ऑफ आई टू थ्री, तो इसका एक केस मैं आपको यहां पर दिखाता हूं जिससे आपको थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखिए ये आपके पास में आ गया लिंक नंबर वन, ये आ गया लिंक नंबर टू, ये आ गया लिंक नंबर थ्री, ये आ गया लिंक नंबर फोर। सो ये बन गया आई वन टू, ये बन गया आई टू थ्री, ये बन गया आपके पास में आई थ्री फोर, और ये बन गया आपके पास में आई वन। टोटल चार लिंक आपके पास में आ गए। अगर टोटल चार लिंक अवेलेबल है तो चार आई सेंटर भी आपने लोकेट कर दिए। अब बात करते हैं आई वन थ्री कहाँ होगा, तो आई वन थ्री के लिए लिंक नंबर टू एंड लिंक नंबर फोर को मिला दो। देखो ये जो अल्टरनेट तरीका मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ फोर बार लिंकेज के लिए वैलिड है, अगर कोई और लिंकेज आता है तो आपको जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बताया उसकी मदद से आई सेंटर फाइंड करना पड़ेगा। तो ये बन गया आपके पास में आई वन थ्री। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो अगर दो नंबर के पास क्लॉकवाइज रोटेशन है तो बी पॉइंट जो है वो कुछ ऐसे जा रहा होगा, वेलोसिटी ऑफ बी। तो आप बोल रहे हैं कि दो नंबर का सेंटर ऑफ रोटेशन आई वन टू ये इसको घुमा रहा है कैसे, क्लॉकवाइज, ये देखो क्लॉकवाइज। तीन नंबर का सेंटर ऑफ रोटेशन वन थ्री तो ये इसको कैसे घुमा रहा है, यहां पर ये भी इसको क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज ही घुमा रहा है। ये क्या कर रहा है इसे, ये भी इसे क्लॉकवाइज ही घुमा रहा है। तो बेसिकली पॉइंट सिर्फ इतना ही है कि अगर दोनों सेम साइड होते हैं तो ऐसी कंडीशन में इन दैट केस सेंस ऑफ रोटेशन, सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ लिंक टू एंड लिंक थ्री आर सी आर से। एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। देखिए पहला कल जो आपने पढ़ा था उसमें किसी एक का ओमेगा अवेलेबल हो तो दूसरे का ओमेगा फाइंड किया जा सकता है। अब अगर आज जो आप देख रहे हैं इसके अंदर किसी एक का सेंस ऑफ रोटेशन दिया गया है तो दूसरे का सेंस ऑफ रोटेशन भी फाइंड किया जा सकता है।
बोलिए यस और नो, यस और नो बोलो यार। रेस्पॉन्स नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे, और मुझे कैसे पता चलेगा आप लोग सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं। हाँ बाकी स्टूडेंट्स मतलब एकदम लेजी हो के पिक्चर की तरह मत देखो। अब आपके रेस्पॉन्स अगर ऐसे आएंगे तो मैं कैसे आपको क्वेश्चन ट्राई करने के लिए दूंगा, और फिर आपको ऐसा लगेगा कि सर सब कुछ सीखने के बाद भी एग्जाम में हम क्वेश्चन नहीं कर पाए, जबकि आप अपना फॉल्ट नहीं देख रहे हो, आप रेस्पॉन्स ही ऐसे कर रहे हो। सिर्फ आपको बोला गया है कि अगर क्लियर हो जाए तो वाई लिख दो, अगर नहीं समझ में आया तो नो लिख दो, एन लिख दो, इतना तो करना पड़ेगा ना। मतलब गेट हलवा थोड़ा है कि तुम बैठे रहोगे और गेट में सिलेक्शन हो जाएगा आपका। चलिए सो नेक्स्ट पॉइंट देखिए सर, ये सब पॉइंट जो आपने बताया है ये पॉइंट क्या काम आएगा हमारे। जैसे मान लीजिए एग्जाम में आपको बोला गया है कि ओमेगा टू फॉर एग्जाम्पल, इधर साइड में लिख देता हूं यहां पे, फॉर एग्जाम्पल ओमेगा टू इक्वल्स टू 10 रेडियन पर सेकेंड, और ये दिया गया है आपको क्लॉकवाइज। वो बोल रहे हैं ओमेगा थ्री 6 रेडियन पर सेकेंड, और इसका सेंस नहीं पता, इसका सेंस नहीं पता। हमने कहा कि 4 बार लिंकेज कैसा है, आपने कहा सर ऐसा 4 बार लिंकेज है, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये बन जाएगा I12, ये बन जाएगा I23, ये बन जाएगा I34 और ये बन जाएगा I14। यहां पर इसको आगे बढ़ाओगे तो यहां मिल जाएगा I13। आपसे पूछा है ओमेगा टू विद रेस्पेक्ट टू थ्री, तो बेसिकली क्या होगा ओमेगा टू माइनस ओमेगा थ्री। तो ओमेगा टू की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 10, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो माइनस। ओमेगा थ्री की वैल्यू कितनी है, 6। लेकिन अब हमें ये चेक करना पड़ेगा ओमेगा थ्री क्लॉकवाइज है या काउंटर क्लॉकवाइज है। तो अभी अभी बोला गया है कि ये आपका I23 है, इसकी एक साइड 12 है और एक साइड 13 है। जब दोनों अपोजिट साइड होते हैं तो अपोजिट सेंस ऑफ रोटेशन आता है, तो आपके पास इन दैट केस सेंस ऑफ रोटेशन आर अपोजिट। तो इसका मतलब अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा कैसा होगा, काउंटर, और काउंटर को पुट करेंगे तो विद नेगेटिव आप पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 16 रेडियन पर सेकेंड। तो ये बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर, या तो हमसे ओमेगा पूछ लेगा या वो सेंस ऑफ रोटेशन का लॉजिक आपसे पूछना चाहेगा, तो इस तरीके से प्रॉब्लम आपसे पूछेगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहां से, ये 4 बार लिंकेज की कहानी थी, हम लोग अब सिंगल स्लाइडर की साइड बढ़ते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर लोकेशन लोकेशन ऑफ आई सेंटर इन सिंगल स्लाइडर चेन। देखिए सिंगल स्लाइडर चेन के अंदर अगर हमें आई सेंटर की लोकेशन फाइंड करनी है तो किस तरीके से हम लोग आई सेंटर की लोकेशन फाइंड करने वाले हैं, जरा देखिए। सबसे पहले एक सिंगल स्लाइडर कंसीडर कर लेते हैं, सिंगल स्लाइडर कैसा दिखाई देगा। तो हमने कंसीडर कर लिया ये क्रैंक है कुछ इस तरीके से, ये आपके पास में एक स्लाइडर आ गया, ये आपके पास में एक सिंगल स्लाइडर आ गया, क्लियर। इसमें सरफेस जो है वो 1 नंबर है, ये क्रैंक आपके पास में 2 नंबर है, इसे बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड, ये है 3 नंबर, और इसे बोलते हैं स्लाइडर, ये है 4 नंबर। तो हमने बोला सबसे पहले तो यहां पर ये पॉइंट आपको क्लियर करना पड़ेगा, नंबर ऑफ लिंक कितना आपके पास में, 4। तो नंबर ऑफ आई सेंटर कितना आएंगे आपके पास में, 6। कौन कौन से आएंगे वो भी आपको पता है, 1, 2, 3 एंड 4। तो पहला आई सेंटर होगा I12, यहां पर आपने मेंशन कर दिया I12, I1 और 2 जहां पर पिन से कनेक्टेड है, I23, 2 और 3 जहां पर पिन से कनेक्टेड है, I34, 3 और 4 जहां पर पिन से कनेक्टेड है। नो पॉइंट इज I14। 14 के लिए आपको बोला गया है कि जब दो बॉडीज के बीच में स्लाइडिंग होती है, जब दो बॉडीज के बीच में स्लाइडिंग होती है तो स्लाइडिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, स्लाइडिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंस्टेंटेनियस सेंटर कहाँ होता है, इनफाइनाइट पर।
तो इस डायरेक्शन में इनफाइनाइट के ऊपर है, इस डायरेक्शन में इनफाइनाइट के ऊपर है। अब देखो एक कॉमन सेंस वाला पॉइंट आपको मैं बताता हूं। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप डी को बी से कनेक्ट करते हो तो हॉरिजॉन्टल के साथ ही कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। अगर ए को डी से कनेक्ट करते हो तो ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अगर सी को डी से कनेक्ट करोगे तो ये भी कितना एंगल बनाएगा, थीटा, या मान लो फाइव, एक नया एंगल नाम दे दो, क्या फर्क पड़ता है, फाइव। So, जब आप यहां पर डी को दूर लेके जाओगे तो ये थीटा बढ़ जाएगा, ये फाइव बढ़ जाएगा और ये अभी भी 90 रहेगा। जब और दूर लेके जाओगे थीटा और बढ़ेगा, फाइव और बढ़ेगा। जब और दूर लेके जाओगे थीटा और बढ़ेगा और फाइव और बढ़ेगा। और जब इनफाइनाइट पर ले जाओगे तो थीटा भी 90 डिग्री, ये पहले से 90 डिग्री और ये भी क्या हो जाएगा, फाइव भी 90 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जब कोई पॉइंट इनफाइनाइट पर चला जाता है तो वो हॉरिजॉन्टल पर किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखिए हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री बनाएगा। मतलब I14 जो आप लिख रहे हैं यहाँ पर इनफाइनाइट के ऊपर, I14 जो आप लिख रहे हैं बेटा यहाँ पर इनफाइनाइट के ऊपर, तो अगर उसे आप यहां से लाइक मैं बोलता हूँ 1 2 को 1 4 से मिलाओ, तो 1 2 को 1 4 से ऐसे नहीं मिलाओगे। 1 2 से 1 4 की साइड जब आप बढ़ेंगे, 1 2 से 1 4 की साइड जब आप बढ़ेंगे तो 1 4 को ऐसे दिखाएंगे, 1 4 इधर भी कहां होगा, इनफाइनाइट के ऊपर, इधर भी कहां होगा, 1 4 एट इनफाइनाइट। ऐसा नहीं लाइक 1 2 को 1 4 से ऐसे मिला दो, 1 4 यहां नहीं है, 1 4 इस डायरेक्शन में इनफाइनाइट के ऊपर है। ये तो सिर्फ और सिर्फ मैं बोर्ड पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि इस डायरेक्शन में, ये एरो बता रहा है कि डायरेक्शन में इनफाइनाइट के ऊपर है, यहां बिल्कुल नहीं है। तो ये चार इंस्टेंटेनियस सेंटर जो मैंने आपको बताया, मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गए होंगे। सो दो इंस्टेंटेनियस सेंटर और है जिनके ऊपर चर्चा की जा सकती है, वो कौन कौन से, एक 1 3 और एक आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर 2 4। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ 1 3। तो 1 3 का कॉन्सेप्ट बहुत देर से मैं बता रहा हूँ, कल भी मैंने बताया था कि आपको पेयरिंग करनी है 1 2 3 1 4 3। सो एक पेयर में आ रहा है आपके पास में 1 2 3, दूसरे पेयर के अंदर आ रहा है आपके पास में 1 4 3। सो 1 2 3 की अगर आप बात करोगे तो यहां से आपके पास में I12, I23, I13, तीन इंस्टेंटेनियस सेंटर आ रहे हैं। यहां से आपके पास में तीन इंस्टेंटेनियस सेंटर आ रहे हैं। सो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि ये जो 1 2 है और ये जो 2 3 है, तो 1 2 और 2 3 जहां पर होगा, 1 3 भी बेसिकली, 1 3 भी बेसिकली उसी लाइन के ऊपर कहीं पर होगा। इधर से अगर आप देखेंगे, इधर से अगर आप देखेंगे तो 1 4 3 4 जहां पर होगा, 1 3 भी उसी लाइन पर होगा। सो 1 4 इधर, 3 4 ये रहा, तो 1 3 भी इसी लाइन के ऊपर कहीं पर होगा। तो आपने बोला सर एक कॉमन पॉइंट आ रहा है, एग्जैक्टली 1 3 आपका इस जगह पर होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 3 आपका इस जगह पर होना चाहिए। सो सिमिलरली जब 2 4 को फाइंड करने की बारी आएगी, जब 2 4 को फाइंड करने की बारी आएगी तो देखिए यहां पर ध्यान से, 2 4 के लिए फिर से आप पेयरिंग करेंगे। जब 2 4 के पेयरिंग की बारी आएगी तो एक पेयर बनेगा 2 1 4, 2 3 4, तो ये बन जाएगा आपके पास में 2 1 4, 2 3 4। सो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो ये बनेगा I12, I14, I24, और यहां से अगर हम लोग देखें तो ये बनेगा I23, I34, I24। तो अगर आप देखें तो I23 यहां पर है, I34 यहां पर है, तो बेसिकली I24 भी इसी लाइन पर कहीं पर होना चाहिए। I12 यहां पर है, I14 इधर कहीं इनफाइनाइट पर है, तो 1 2 और 1 4 जिस लाइन पर है, 2 4 भी उसी लाइन पर होना चाहिए। तो बेसिकली ये वो पॉइंट है जहां पर आपको 2 4 मिलने वाला है। तो ओवरऑल जो 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर हो सकते थे, उन 6 के 6 की लोकेशन मैंने यहां पर आपको बोर्ड के ऊपर दिखा दी है। मेरे ख्याल से इनके अंदर किसी भी तरह की कोई समस्या अब आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। एक बार जल्दी से बोल दो यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ सभी स्टूडेंट्स।
कल्याणी को समझ में आ गया, प्रतीक्षा, कावेरी, साहिल, हाँ जी, बाकी स्टूडेंट वेरी पुअर रेस्पॉन्स यार, आई डोंट नो आप लोग कैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो। सो लोकेशन ऑफ आई सेंटर इन डबल स्लाइडर चेन, आपको आदत हो गई है कि कोई आए और चुपचाप से सब कुछ पढ़ा के चला जाए, आपको समझ आए नहीं आए डजंट मैटर। सो आप अपना और सामने वाले का, मतलब अपना एनर्जी लेवल तो आपने डाउन कर ही रखा है, सामने वाले को भी आप ये रियलाइज करा देते हो कि इतना एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेलिटी पूरी कर दो। चलिए, सो ये आपके पास में एक डबल स्लाइडर है, ये आपके पास में एक डबल स्लाइडर है, तो आपसे पूछने से तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आप लोगों में से तो कुछ गिने चुने बच्चे ही हैं जो जवाब देंगे, तो बेटर मैं ही सॉल्व कर लेता हूँ प्रॉब्लम को। सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें, हाँ, हमारे पास में चार लिंक अवेलेबल है। चार लिंक अगर अवेलेबल है तो वो कौन कौन से आई सेंटर होंगे जिनकी हम लोग चर्चा करेंगे। 1, 2, 3 एंड 4, चार लिंक है। सो सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर क्लियरली आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, क्लियरली आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि 1 और 2 के बीच में स्लाइडिंग हो रही है। अगर 1 और 2 के बीच में स्लाइडिंग हो रही है तो ऑफकोर्स I12 कहाँ होगा, इंफिनिटी पे। 1 और 2 के बीच में स्लाइडिंग हो रही है तो I12 एट इंफिनिटी माना जाएगा। 2 और 3 के बीच में पिन लगा हुआ है तो ये बनेगा I23। 3 और 4 के बीच में पिन लगा हुआ है तो ये बनेगा I34। 1 एंड 4 के बीच में स्लाइडिंग कुछ इस तरीके से हो रही है तो ऑफकोर्स स्लाइडिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये 1 4 एट इंफिनिटी, स्लाइडिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 1 4 एट इंफिनिटी। तो ये प्राइमरी चार इंस्टेंटेनियस सेंटर है जो मैंने आपको यहां पर बता दिए। अब अगर हम लोग बात करें I13, तो I13 के लिए आपको पेयरिंग सिखाई है। I13 के लिए आप क्या करेंगे, एक पेयर बनाएंगे 1 2 3, 1, 2, 3। दूसरा पेयर बनाएंगे 1 4 3, 1, 4, 3। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो एक आई सेंटर I12, I23, I13, दूसरा आई सेंटर I14, I13 एंड I34। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये क्या बोलना चाह रहा है, ये सिंपल सा हमें ये बता रहा है कि अगर हमें I13 फाइंड करना है तो ढूंढना पड़ेगा 2 3 का, ये रहा 2 3, 1 2 का है इस लाइन के ऊपर, इनफाइनाइट के ऊपर। तो ये 1 2 से 1 3 को मिला, 1 2 को 2 3 से मिला दिया, इसका मतलब 1 3 इस लाइन के ऊपर कहीं होने वाला है। सिमिलरली 1 4 की तरह इधर इनफाइनाइट पर इधर से लेके आओ और इसको मिला दो 3 4 से, तो 1 3 भी इसी लाइन पर होगा। तो बेसिकली ये वो कॉमन पॉइंट आ रहा है जहां पर I13 होने वाला है। इसी तरीके से अगर आप फाइंड करने जाएंगे बेसिकली I24, तो 4 I24 के लिए एक पेयर बनेगा 2 1 4, 2 1 4। एक पेयर बनेगा 2 3 4, 2 3 4। सो अगर मैं बात करूं 2 1 4 की तो ये बन जाएगा आपके पास में I12, I14, I24। इसी तरीके से एक पेयर बनेगा आपके पास में I23, 34, 24। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 3 किस जगह पर है, ये रहा आपका I23। यहाँ पर देखेंगे 3 4 कहाँ पर है, ये रहा आपका I34।
24 कहां पर है? जिस लाइन के ऊपर ये है उसी लाइन के ऊपर कौन होने वाला है? 24। 14 कहां है? इधर कहीं इनफाइनाइट पर, सॉरी 14 कहां है? इधर कहीं इनफाइनाइट के ऊपर। तो ये इनफाइनाइट से इनफाइनाइट पर एक लाइन जाने वाली है, तो ये इस लाइन को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और कभी भी अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो आप क्लियरली बताएंगे आई 24 जो होगा वो कहां पर होने वाला है? इनफाइनाइट के ऊपर होने वाला है। तो ये 6 के 6 आई सेंटर मैंने यहां पर ड्रॉ करके बता दिया डबल स्लाइडर के अंदर। सो उम्मीद करता हूं आपको कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं रही होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो ये कहानी थी इंस्टेंटेनियस सेंटर की, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि अगर एक लिंक के बारे में बात हो तो एक लिंक के केस में कैसे इंस्टेंटेनियस सेंटर की लोकेशन फाइंड करते हैं। अगर आपके पास में कुछ स्टैंडर्ड केसेस की बात हो रही है जिसमें मैंने पिन बताया आपको, मैंने बताया कि किस तरीके से एक स्लाइडर स्लाइड करता है तो आई सेंटर फाइंड करते हैं। अगर तीन लिंक की बात हो तो कैनेडीज थ्योरम है जिसको आप काम में ले सकते हैं, और अगर चार लिंक की बात हो तो बाय द हेल्प ऑफ अगेन कैनेडीज थ्योरम। मैंने यहाँ पर चार लिंक के बारे में आपको आई सेंटर फाइंड करना सिखाया, उस चार लिंक के अंदर मैंने 4 बार भी बताया, सिंगल स्लाइडर भी बताया, डबल स्लाइडर भी बताया। ये सब पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने चाहिए। इनके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस की बात करूं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में इन्फॉर्मेशन दूं, तो शायद कल भी मैंने एक आध प्रॉब्लम आपको सॉल्व करवाई थी, आज फिर से करवा देता हूं। हमसे पूछा गया था कि अगर कुछ इस तरीके का एक 4 बार लिंकेज है, कुछ इस तरीके का एक 4 बार लिंकेज है, जिसके अंदर आपको यहां से यहां तक की लेंथ दी गई है 30 सेंटीमीटर, ये दिया गया है 40 सेंटीमीटर, ये दिया गया है 50 सेंटीमीटर, और ये दिया गया है आपको 60 सेंटीमीटर। आपको बोला गया है इफ ओमेगा 2 इक्वल्स टू 1 रेडियन पर सेकेंड देन फाइंड ओमेगा 3। सरफेस एक नंबर लिंक है, ये 2 नंबर लिंक है, ये 3 नंबर लिंक है, और ये आ गया 4 नंबर लिंक। तो हमने कहा पहले तो आई सेंटर पता कर लेते हैं। तो आई सेंटर अगर आप पता करने जाओगे तो आई सेंटर 1 और 2 पिन से जुड़ा हुआ है इसलिए इसे बोलेंगे आई 1 2, 2 और 3 पिन से जुड़ा हुआ है इसलिए इसे बोलेंगे आई 2 3, 3 और 4 पिन से जुड़ा हुआ है इसलिए इसे बोलेंगे आई 3 4, 1 और 4 पिन से जुड़ा हुआ है इसलिए इसे बोलेंगे आई 1 4। उसके बाद में अगर आप यहां पर देखेंगे 1 2 2 3 3 4 एंड 1 4, आप देखेंगे यहां पर 1 3, आई 1 3 अगर आपको फाइंड करना है तो आप देखेंगे 2 और 4 कहां पर मिल रहे हैं, तो लिंक नंबर 2 को बढ़ा दो दोनों साइड, लिंक नंबर 4 को बढ़ा दो दोनों साइड, तो एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वहां पर होगा आपका आई 1 3। सिमिलरली अगर आपको पता करना आई 2 4 कहां होगा, तो आई 2 4 के लिए लिंक नंबर 1 को बढ़ा दो, ये लिंक नंबर 1 तो सरफेस ही है और ये लिंक नंबर 3 है, इसको दोनों साइड से बढ़ा दो, तो बेसिकली यहां पर आ जाएगा आपका आई 2 4। तो आपने क्या किया यहाँ पर आई सेंटर 6 के 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर उनको फाइंड कर लिया। अब आपको लिंक नंबर 2 जो है उसके लिए ओमेगा दे रखा है और लिंक नंबर 3 के लिए फाइंड करना है, तो आप क्या बोलेंगे 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में आपको क्या करना है यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम लगानी है। तो जब 2 और 3 के बीच में एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो देखिए किस तरीके से ये थ्योरम अप्लाई की जाएगी। आपको लिखना है यहाँ पर ओमेगा 2 एक बार फिक्स के साथ 1 2, एक बार जिसके साथ रिलेशन फाइंड कर रहे हैं 2 3, ओमेगा 3 एक बार फिक्स के साथ 1 3, एक बार जिसके साथ रिलेशन फाइंड कर रहे हैं 2 3। सो ओमेगा 2 इज 1 रेडियन पर सेकेंड, 1 2 से 2 3 के बीच के डिस्टेंस, 1 2 से 2 3 के बीच के डिस्टेंस, ये है आपके पास में 40 सेंटीमीटर। ओमेगा 3 फाइंड करना है, 1 3 भी सेम है और 2 3 तक डिस्टेंस, वंस अगेन 40 सेंटीमीटर, 40 से 40 कैंसिल आउट हो गया, ओमेगा 3 इक्वल्स टू 1 रेडियन पर सेकेंड। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो पॉइंट है, ये जो क्वेश्चन है, ये भी आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। तो देख लीजिए अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर डाउट नहीं है तो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको और बता देता हूँ और किस तरह से प्रॉब्लम हमसे पूछी गई है। देखिए हमें एक प्रॉब्लम दी गई थी जिसके अंदर कुछ इस तरीके से एक 4 बार लिंकेज दिया गया था, इसको हमने फिक्स कर रखा है, ये ए है
ये ए है, ये रूट टू ए है, ये रूट टू ए है, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। तो हमें बोला गया व्हेन एंगल बी ए डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, जब ये एंगल 180 डिग्री हो गया उस टाइम पर ओमेगा ए बी इज 2 रेडियन पर सेकेंड, देन फाइंड ओमेगा बी सी। तो हमने कहा पहले तो जब ये एंगल 180 डिग्री हो जाता है तो ये दिखने में कैसा दिखाई देगा, आपने इसको फिर से बनाया तो ये तो रहा ए डी और ये आ गया आपका बी बी, तो बी ए डी कितना हो गया 180 डिग्री। ऐसे में सी पॉइंट यहां कहीं पर कुछ ऐसा दिखाई दिया होगा, ये डिस्टेंस है स्मॉल ए रूट टू ए रूट टू ए, इसको आपने बोल दिया लिंक नंबर वन। इसको आपने बोल दिया लिंक नंबर वन टू थ्री एंड फोर। सो ऑफ कोर्स ये क्या रहा होगा आई वन टू, ये क्या रहा होगा आई टू थ्री, ये कौन रहा होगा आई थ्री फोर और ये कौन रहा होगा आई वन फोर। 6 में से 4 इंस्टेंटेनियस सेंटर आपने यहाँ पर फाइंड कर लिए। सो बाकी इंस्टेंटेनियस सेंटर की बात करेंगे तो आई वन थ्री, वन थ्री के लिए 2 और 4 को मिला दो, ये दो नंबर इसको दोनों साइड बढ़ा दो इधर और इधर, ये 4 नंबर इसको इधर और इधर बढ़ा दो, इस जगह पर मिल रहा है तो ये बन जाएगा आई वन थ्री। आई टू फोर के लिए 1 को और 3 को मिला दो, ये आ गया आपके पास में आई टू फोर। ओमेगा ए बी, ए बी का मतलब कौन सा लिंक है, ये लिंक नंबर 2। ओमेगा बी सी, बी सी का मतलब लिंक नंबर 3। तो आपको एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम लिखनी है बिटवीन 2 एंड 3, तो लिखा जाएगा ओमेगा 2 आई वन टू आई टू थ्री इक्वल्स टू ओमेगा 3 आई वन 3 आई टू 3। तो ओमेगा 2 आपको 2 दे ही रखा है, 1 2 से 1 2 से 2 3 की डिस्टेंस ये है स्मॉल ए, ओमेगा 3 फाइंड करना है 1 3 से 2 3 की डिस्टेंस। सो 1 3 कहाँ है, 1 3 से 2 3 की डिस्टेंस, ये भी ए ये भी ए, तो ये आ गया 2A। सो फाइनली ओमेगा 3 इक्वल्स टू 1 रेडियन पर सेकेंड, ये आपके पास में आ गया ओमेगा 3। तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम भी आपसे पूछी जा सकती है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम भी आपसे पूछी जा सकती है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमसे पूछी जा सकती है मैं आप लोगों को देता हूं, देखता हूं आप लोग ट्राई कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। देखिए यहां पर लगा हुआ है पिन, यहां पर लगा हुआ है पिन, ये इस डिस्क का सेंटर है जो कि 5 mm के डिस्टेंस पर है, यहां से यहां तक के डिस्टेंस ऑफ 45 mm। ओमेगा फॉलोवर, ये जो रॉड है इसको बोला जा रहा है फॉलोवर, ये आपको दिया गया है 1 रेडियन पर सेकेंड, इसे बोला जा रहा है डिस्क। ओमेगा डिस्क आपको फाइंड करना है, ओमेगा डिस्क आपको फाइंड करना है। सो पहले आप आई सेंटर फाइंड करेंगे, आई सेंटर फाइंड करने के बाद में ये सारी वैल्यूज फाइंड करेंगे, मतलब ओमेगा ही फाइंड करना है, कोई बहुत बड़ी वैल्यूज को फाइंड नहीं करना है। तो मैं ये सॉल्व करने के लिए आपको 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप पहले आई सेंटर फाइंड करो, आई सेंटर फाइंड करने के बाद में ये सारी वैल्यूज फाइंड करो सभी स्टूडेंट्स, और किसी को भी आंसर आए तो आंसर बताओ। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में अगर आप बैठे हो तो आप लाइक मूवी की तरह चीजों को नहीं देख सकते हो, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा
थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्लास में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आपका कंपटीशन सिर्फ आप लोगों के बीच में नहीं है, आपका कंपटीशन उन सब लोगों के साथ में है जो इस साल प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं या जिन्होंने पिछले साल से प्रिपरेशन चालू कर दी है। सबसे पहले आप देखिए तीन लिंक है, अगर तीन लिंक है तो तीन आई सेंटर होंगे, उनकी लोकेशन फाइंड कीजिए। आप फाइंड कीजिए, मैं एक बार इसकी बैटरी बदल देता हूँ। कोई भी स्टूडेंट जिसने आंसर फाइंड किया हो, पंद्रह सेकंड और वेट कर लेते हैं, 15 सेकंड में अगर कोई चमत्कार कर दे आप में से। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ऑनेस्टली बताओ कितने लोगों ने ट्राई किया, ट्राई कितने लोगों ने किया पहले तो मुझे वो भी जानना है। ओके प्रतीक्षा को आंसर भी मिल गया, ओके आकाश ने, श्रुति, कावेरी, मयूरी, कल्याणी, तुषार, साहिल। अरे चलो ये तो बहुत अच्छा काम किया, मतलब अब इतना इतना आप लोगों ने ट्राई किया तो इस हिसाब से तो एक क्वेश्चन और करवाएंगे आपको, मुझे लगा आप लोग ट्राई ही नहीं करते हो। चलो इतने लोगों ने ट्राई किया बस अच्छी बात है, इतना ही चाहिए। देखिए मुझे, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अगर मैं आपके लिए कुछ एफर्ट डाल रहा हूं तो आप भी प्रॉपर वहां से रेस्पॉन्स करें। आप अगर क्वेश्चन ट्राई करने के लिए आपको दिया जा रहा है तो आप उसको ट्राई करें, अदरवाइज मुझे ऐसा लगेगा कि लाइक मैं इतने अच्छे कॉन्सेप्ट क्यों आपको बता रहा हूँ जब आप लोग ट्राई ही नहीं करते। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट, ये पढ़ाई या फिर ये जो भी प्रिपरेशन है, ये ऐसी आप जितना ट्राई करेंगे, जितना गलत करेंगे उतना ही ज्यादा सीखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि लाइक मैं प्रवचन की जैसे बोलता जाऊं और आप सुनते जाए और आपको सब कुछ आ जाएगा। नहीं, गेट एग्जाम मतलब वहां पर एक क्वेश्चन आएगा जिसको आपको क्रैक करना होगा, और उसको क्रैक करने के लिए यहाँ पर बार 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 ट्राई करना पड़ेगा आपको चीजों को, भले गलत हो पर ट्राई कीजिए। सो इस प्रॉब्लम को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमें ये काउंट करना है नंबर ऑफ लिंक कितने हैं। नंबर ऑफ लिंक है 3, नंबर ऑफ आई सेंटर कितने हैं। नंबर ऑफ आई सेंटर जब तीन लिंक होते हैं तो मैंने आपको बता रखा है तीन ही आई सेंटर होंगे। कौन कौन से होंगे पहले नंबरिंग कर देता हूं। सरफेस 1 नंबर, फॉलोवर 2 नंबर, डिस 3 नंबर। तो 1 और 2 पिन से जुड़ा हुआ है, 1 और 2 पिन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस आई सेंटर को बोला जाएगा I12। 1 और 3 पिन से जुड़ा हुआ है इसलिए इस आई सेंटर को बोला जाएगा 1-3। लेकिन देखिए 2 और 3 के बीच में कोई पिन नहीं है, 2 और 3 के बीच में कोई पिन नहीं है, तो ऐसे में आपको बोला जाता है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उस पर कॉमन नॉर्मल, कॉमन टेंजेंट बनाओ और कॉमन टेंजेंट के ऊपर एक कॉमन नॉर्मल बना दो। कॉमन क्या, नॉर्मल तो एक ही रहेगी।
सो पहले एक कॉमन टेंजेंट बनाओ, उसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो और हम कहेंगे इस नॉर्मल के ऊपर आई सेंटर कहीं पर रहेगा। इसी तरीके से जब आप बात करेंगे आई वन टू और आई वन थ्री के लिए, तो कैनेडी ने क्या बोला, वन टू और वन थ्री जिस लाइन के ऊपर रहेगा, वन टू और वन थ्री जिस लाइन के ऊपर रहेगा, टू थ्री भी उसी लाइन पर होना चाहिए। तो यहां से आपको एक कॉमन पॉइंट मिल गया विच इज आई टू थ्री, आई टू थ्री। सो फाइनली अगर आप देखेंगे यहां पर तो सारे के सारे आई सेंटर आपको मिल चुके हैं। अब आप देखिए यहां पर ओमेगा फॉलोवर मतलब ओमेगा टू आपको दे रखा है विच इज वन रेडियन पर सेकेंड। सो वट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट ओमेगा थ्री इन रेडियन पर सेकेंड। सो टू कैलकुलेट ओमेगा थ्री इन रेडियन पर सेकेंड वी हैव टू अप्लाई एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम वी हैव टू राइट ओमेगा टू आई वन टू आई टू थ्री इक्वल्स टू ओमेगा थ्री आई वन थ्री आई टू थ्री। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओमेगा टू इक्वल्स टू आई थिंक वन रेडियन पर सेकेंड एंड डिस्टेंस फ्रॉम आई वन टू टू आई टू थ्री विच इज 45 mm, ओमेगा थ्री वी हैव टू कैलकुलेट आई वन थ्री टू आई टू थ्री, आई वन थ्री डिस्टेंस बिटवीन आई वन थ्री एंड आई टू थ्री इज 5 mm। तो वन टू से टू थ्री, ओके सॉरी दिस डिस्टेंस इज 50। सो फाइनली ओमेगा थ्री इज 10 रेडियन पर सेकेंड। So this is only the correct approach to solve this type of question. First, you have to identify the location of instantaneous center. Then only you have to apply angular velocity ratio theorem. Angular velocity ratio theorem apply करने के बाद, you will get the desired angular velocity, omega 3, omega 4, whatever you have to calculate. I hope ये point आपको clear हो गया होगा. So next. One more question. I hope you will try. So in this question, we have one more 4-bar linkage. A, B, C, and D. AB is perpendicular to the surface as well as CD is also perpendicular to the surface. Omega AB. Omega AB is 8 radian per second. And the distance of AB is 60 mm. This is 240 mm. This will be 160 mm. You have to calculate omega CD. I have already solved this type of problem in the last class. So I think you can solve this problem without wasting time. Solve kijiye sabhi students. At least try once so that you can identify your mistakes. I have solved a similar problem in the last class in which I considered, I think, omega 2 equals to 1 radian per second. And the answer was 2 by 3 radian per second. So follow on that process. जहां तक मुझे याद है आई हैव सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम बाय टू मेथड्स। सो यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड।
टाइम तो आपका खत्म हो चुका है, मुझे लगा टाइम चल रहा है अभी। चलो देखो क्या करना था, आपके पास में दो तीन ऑप्शंस अवेलेबल थे। सबसे पहले आपने क्या किया होगा, सबसे पहले आपने क्या किया होगा, आपने आई सेंटर फाइंड किया होगा। कल भी बताया था यही मेथड मैंने आपको। आपने लिखा होगा ये लिंक नंबर वन, ये लिंक नंबर टू, लिंक नंबर थ्री, लिंक नंबर फोर। ओके साहिल, आपका आंसर बिल्कुल सही है। सो वन और टू जहां पर कनेक्टेड है उसे बोला जाएगा आई वन टू, टू और थ्री जहां पर कनेक्टेड है उसे बोला जाएगा आई टू थ्री, थ्री और फोर जहां पर कनेक्टेड है उसे बोलेंगे आई थ्री फोर, वन एंड फोर जहां पर कनेक्टेड है उसे बोलेंगे आई वन फोर। क्लियर? सो हमने कहा कि यहां पर, हमने कहा कि यहां पर वन थ्री के लिए, वन थ्री को छोड़ के टू फोर को मिला दो, वन थ्री को छोड़ के टू फोर को मिला दो, और टू फोर को जब आप मिला दोगे तो ये मिल रहा है इन्फाइनाइट पर, तो आप बोलेंगे आई वन थ्री एट इन्फिनिटी, आई वन थ्री एट इन्फिनिटी। सिमिलरली सिमिलरली टू फोर के लिए टू फोर को छोड़ के वन थ्री को मिला दो, ये वन ये थ्री, सो ये बन गया आपके पास में आई टू फोर, जिसे बोल दिया हमने ई। सो देखिए ओमेगा टू आपके पास में अवेलेबल है, ओमेगा टू इज 8 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा फोर आपसे पूछा है, सीडी आपसे पूछा है, तो ओमेगा फोर वी हैव टू कैलकुलेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम बिटवीन लिंक नंबर टू एंड लिंक नंबर फोर। सो अकॉर्डिंग टू एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम ओमेगा टू आई वन टू आई टू फोर should be equals equal to omega 4 i 1 4 i 2 4. According to question, omega 2 equals to 8 radian per second and distance between 1 2 to 2 4 1 2 to 2 4 is ae. Omega 4 we have to calculate, i 1 4 distance between i 1 4 to i 2 4 is I think de. So omega 4 equals to 8 multiplied by ae upon de, AE divided by DE. So you can clearly observe that triangle ABE and triangle DCE both are similar triangle, and we know that for similar triangles ratio of corresponding sides always equal. So 8 multiplied by AE upon DE is equals to AB upon CD. So 8 multiplied by AB. AB is equal to, I think, 60 mm. And CD equals to 160. So omega 4 equals to 3 radian per second. The correct option is 3 radian per second. I think Sahil gave the correct answer. Okay. This problem you can solve by an alternative method. Alternative method is, if I 13 is at infinity, it represents that link number 3 will be in pure translation. Will be in pure translation. And a body which is in pure translation, velocity at any point always equals to other point. Velocity at B or velocity at C on link number 3 must be equal. So if we want to write velocity of B, then you can write velocity of B by the help of link number 2. So velocity of B can be written as omega 2 multiplied by center of rotation of link number 2, which is I12. So I 2 3, better term is BA, velocity of point B according to link number 2. Similarly, velocity of point C according to link number 4, omega 4 multiplied by distance from center of rotation, which is D. So omega 2 is 8 multiplied by AB divided by CD equals to omega 4, and 8 multiplied by AB is 60, CD is 160, so the answer is 3 radian per second.
आई थिंक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा. सेम प्रॉब्लम मैंने आपको कल की क्लास में भी करवाया था, जिसके अंदर दोनों अप्रोच आपको समझाई थी, कि जब भी ऐसा होता है कि कोई लिंक आपके पास में प्योर ट्रांसलेशन में होता है, उसके ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर की जो वेलोसिटी होती है ना, वो सेम होती है, वो वेलोसिटी बदलती नहीं है. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर. मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर. अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पर जाने से पहले, नेक्स्ट पॉइंट पर जाने से पहले अब हमें यहां पर वेलोसिटी के कुछ और पॉइंट्स के ऊपर भी चर्चा करनी पड़ेगी. ये जो मेथड था आपका, ये सिर्फ पहला मेथड था. दूसरा मेथड भी आपके पास में अवेलेबल है, जिसको आप बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी मेथड. तो पहले हम लोग अब बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी मेथड के ऊपर. तो रिलेटिव वेलोसिटी मेथड, एक्चुअली दिस इज अ ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल अप्रोच और ग्राफिकल मेथड. एंड वी नो दैट फॉर एमसीक्यू टाइप प्रॉब्लम और ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ग्राफिकल अप्रोच इज लेस इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू मैनुअल अप्रोच, एनालिटिकल अप्रोच विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड. So instantaneous center method is more important as compared to graphical method. But we have seen in last 2-3 years GATE papers, there are some problems which is dependent on or which is based on graphical approach or relative velocity method. So you have to study relative velocity method also. So agar hum log baat kare relative velocity method ki, so ye method kya method hota hai, main aapko thoda sa idea deta hu uske bare mein. इसके अंदर आपको एक वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है. बाय द हेल्प ऑफ दैट वेलोसिटी डायग्राम यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी. लेट अस सपोज दिस इज अ फोर बार लिंकेज ए बी सी एंड डी. हमने समझ लिया कि ये जो लिंक है इसके लिए आपके पास में ओमेगा अवेलेबल है. सो ऐसा मान लीजिए ओमेगा ए बी इज गिवन. अगर ओमेगा ए बी गिवन है तो मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ ए विच इज ओमेगा ए बी मल्टीप्लाई बाय ए बी. ओमेगा ए बी मल्टीप्लाई बाय ए बी. लेट अस सपोज ओमेगा ए बी इज 10 एंड consider like AB is also 10 centimeter. Just assume. So velocity of B will be 100 centimeter per second. So now to draw this 100 centimeter per second, you have to consider a suitable scale. So I'm just considering 10 centimeter per second represented by 1 centimeter. You can consider any suitable scale. ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 10 सेंटीमीटर पर सेकंड को 1 सेंटीमीटर ही माने. आपको जो भी सुटेबल स्केल लगती है आप यूज कीजिए उसे. मैंने कंसीडर किया 10 सेंटीमीटर पर सेकंड इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. आप कंसीडर कर सकते हैं 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. सो ये आपका स्केल है. ये डिपेंड करता है कि वेलोसिटी कितनी ज्यादा है, उसको कितना रिड्यूस करके ड्रॉ करना है. सो मैंने ऐसे कंसीडर कर लिया 10 सेंटीमीटर पर सेकंड इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. क्लियर है? मतलब कहीं पर भी अगर मैं 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करता हूं तो वो रिप्रेजेंट करेगा 10 सेंटीमीटर पर सेकंड वेलोसिटी को. ये आपको कैलकुलेट करना था. अब आप कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए स्टेप नंबर वन. स्टेप नंबर वन बोल रहा है मार्क पॉइंट्स फॉर fixed points in mechanism. ये बोल रहा है points mark कीजिए जो कि mechanism के अंदर fixed point है. हमने mark कर लिया A and D. तो आपने बोला A and D represent a zero velocity for
फिक्स्ड पॉइंट। देखिए अगर फिक्स्ड पॉइंट है तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, और जीरो वेलोसिटी को आप जीरो सेंटीमीटर मतलब पॉइंट से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, तो हमने बोला सबसे पहले मैंने रिप्रेजेंट किया यहां पर पॉइंट ए एंड पॉइंट डी को, सबसे पहले मैंने रिप्रेजेंट किया पॉइंट ए एंड पॉइंट डी को, और उनको पॉइंट से ही रिप्रेजेंट किया क्योंकि वो दोनों फिक्स है। स्टेप नंबर टू, ड्रॉ द वेलोसिटी, ड्रॉ द वेलोसिटी फॉर नॉन वेलोसिटी पॉइंट। जो भी पॉइंट जिसकी वेलोसिटी आपको पता है उसकी वेलोसिटी को आप ड्रॉ करेंगे। तो आपने बोला सर मुझे वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए या फिर वेलोसिटी ऑफ बी को, ये नॉन है, और इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा बाय 10 सेंटीमीटर से। क्यों? क्योंकि सर इसकी वेलोसिटी है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, 100 सेंटीमीटर पर सेकंड, और आई हैव ऑलरेडी कंसीडर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड रिप्रेजेंट बाय 1 सेंटीमीटर। सो इस वेलोसिटी को आपको क्या करना है, 10 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करना। अब देखिए ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, बी विद रेस्पेक्ट टू ए बनाना है आपको, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए बनाना है। इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा, जब वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए आपको ड्रॉ करना है तो क्या प्रोसीजर है ध्यान से समझना। बी विद रेस्पेक्ट टू ए के लिए आप ए पर जाएंगे, बी विद रेस्पेक्ट टू ए के लिए आप ए पर जाएंगे, और उसके बाद में ए बी बनाएंगे। हमने कहा ए पर आ गया, ए टू पॉइंट ए है, और फिर ए बी बना दो। ए बी कैसा है, ऐसा है, ऐसा 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 का ऐसा बना देंगे आप ए बी। आपने कहा ये लीजिए सर ए बी, ऐसा का ऐसा बना दो। बी विद रेस्पेक्ट टू ए के लिए ए पर जाइए और ए बी बनाओ, और उसके ऊपर ड्रॉ कर दो एक परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर सर इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। हमने कहा देखो ओमेगा किधर दिया गया है, ओमेगा क्लॉकवाइज दिया गया है, सो ऑलवेज रिमेंबर परपेंडिकुलर जो आपके पास में आने वाला है इधर, और वो भी 10 सेंटीमीटर का, और ये पॉइंट हो जाएगा बी, ये पॉइंट हो जाएगा बेटा बी। ये पॉइंट कितना हो जाएगा आपके पास में बी, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हैं। सो अगर आप इसको रीड करना चाहें, अगर आप इसको रीड करना चाहें तो अब आप बड़ी आसानी से रीड कर सकते हो कि सर बी विद रेस्पेक्ट टू ए इनके बीच में आ रहा है 10 सेंटीमीटर, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए वो 10 सेंटीमीटर से दिया जा रहा है। तो एक सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन 10 सेंटीमीटर इक्विवेलेंट टू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो आपको पता चल रहा है इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए ये कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ए और डी के बीच में कितनी डिस्टेंस है, जीरो। इसका मतलब ए और डी जो है, ए और डी जो है उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है क्योंकि दोनों ही फिक्स है, क्योंकि दोनों यहां पर क्या है, फिक्स है। चलिए वेरी गुड, इतनी बात अगर आप समझ गए तो। अब अगर आप देखें इस फोर बार लिंकेज के अंदर, तो ए बना दिया, बी बना दिया, डी भी बना दिया, सिर्फ सी रह गया। सो अब आप यहां पर लिखेंगे स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर थ्री टू फाइंड द लोकेशन या टू ड्रॉ द वेलोसिटी फॉर पॉइंट सी वी हैव टू ड्रॉ वेलोसिटी सी विद रेस्पेक्ट टू डी एंड वेलोसिटी सी विद रेस्पेक्ट टू बी। देखो सी की लोकेशन पता करनी है तो आपको सी को विद रेस्पेक्ट टू बी और सी को विद रेस्पेक्ट टू डी बनाना पड़ेगा। हमने कहा कि मैं पहले बनाता हूं सी विद रेस्पेक्ट टू डी, तो क्या तरीका बताया गया है, सी विद रेस्पेक्ट टू डी के लिए डी पर जाना है और डीसी बनाना है। तो हमने कहा सर डीसी तो ऐसा है, अभी अभी हमने देखा है,
बीसी तो ऐसा है। अब बना दो इसके ऊपर परपेंडिकुलर, सर किधर बनाए परपेंडिकुलर नहीं पता, दोनों साइड बना दो ये लो। फिर आप बनाएंगे सी विद रेस्पेक्ट टू बी, तो सी विद रेस्पेक्ट टू बी के लिए बी पर जाना और बीसी बनाना है, तो हम लोग आ गए बी पर और बीसी तो देखो ऐसा था। अब इसमें बना दो परपेंडिकुलर, किधर बनाए नहीं पता, दोनों साइड बना दो, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगा वो होगा आपका पॉइंट सी। सो दिस लेंथ रिप्रेजेंट सी विद रेस्पेक्ट टू डी, दिस लेंथ रिप्रेजेंट सी विद रेस्पेक्ट टू बी, दिस लेंथ रिप्रेजेंट बी विद रेस्पेक्ट टू ए। तो आपने ओवरऑल कंप्लीट वेलोसिटी डायग्राम तैयार कर लिया है और ये वेलोसिटी डायग्राम आपको हर एक पॉइंट की वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो आप समझ पा रहे कि इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं, इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं इनको हम लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए कभी प्रेफर करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि ये किस तरीके से बनाए जाते हैं। एक बार सभी स्टूडेंट बताएंगे बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ, अगर क्लियर नहीं हुआ, हालांकि ये प्रोसेस आप लोग प्रेफर करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है कि सर ये वाला मेथड हमें समझ नहीं आया, क्योंकि जनरली थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड हम लोगों को थोड़ा सा लेट ही समझ में आता है, सो अगर क्लियर हो गया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो मैं एक दो वेलोसिटी डायग्राम जिनको हम वेलोसिटी ट्रायंगल भी बोल देते हैं और बना के बता देता हूं। जैसे अगर मान लीजिए आप ईएससी एग्जाम लिखने वाले हैं, तो ईएससी एग्जाम में एक बार अभी देखो, अभी थोड़ी देर पहले आपने इसको बनाया था, इसको सॉल्व किया था, बनाया गया था, इसको पूरा सॉल्व किया था आपने, ये देखिए ये 90 डिग्री, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी, इसको ओमेगा हमने प्रोवाइड करवा दिया। तो हमने कहा कि सर इसका ओमेगा अवेलेबल है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ये दिया जाएगा ओमेगा ए बी मल्टीप्लाई बाय ए बी। लेट अस सपोज ओमेगा ए बी है 10 और ए बी भी है 10 सेंटीमीटर, सो ये आ रहा है बेटा 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमने स्केल कंसिडर किया, हमने स्केल कंसिडर किया 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड इक्विवेलेंट टू 1 सेंटीमीटर। तो अब बना देते हैं इसके लिए वेलोसिटी ट्रायंगल। सबसे पहले आप लेंगे यहां पर फिक्स पॉइंट, सो फिक्स पॉइंट आर ए कॉमा डी, उसके बाद में आप ड्रॉ करेंगे बी विद रेस्पेक्ट टू ए को, बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो बी विद रेस्पेक्ट टू ए के लिए ए पर जाना और ए बी बनाना है। तो हमने कहा सर ए पर तो आ गए और ये देखिए ए बी भी बना दिया। अब उस साइड परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा 10 सेंटीमीटर का, ये लो ये आ गया पॉइंट बी। अब हमें चाहिए सर सी पॉइंट, तो सी विद रेस्पेक्ट टू डी बनाओ, सी विद रेस्पेक्ट टू बी बनाओ। तो हमने बोला सी विद रेस्पेक्ट टू डी के लिए डी पर जाना है और डीसी बनाना है, हम लोग डी पर आ गए और हमने कहा सर डीसी भी ऐसा ही है, अगर डीसी ऐसा है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर हमने कहा किस डायरेक्शन में बनाया, बोला पता नहीं दोनों डायरेक्शन में बना दो। अब सी विद रेस्पेक्ट टू बी, बी पर जाओ बीसी बनाओ, तो बी पर आ गया और ये बना दिया बीसी। अब इस पर बना दो परपेंडिकुलर दोनों साइड, किधर बनाना है पता नहीं दोनों साइड बना दिया, तो ये परपेंडिकुलर कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि बी और सी के बीच की डिस्टेंस जीरो है, क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बी बराबर वेलोसिटी ऑफ सी है, इनके बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी है ही नहीं, तो बी विद रेस्पेक्ट टू सी हमेशा जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बी बराबर वेलोसिटी ऑफ सी है, और जब वेलोसिटी ऑफ बी बराबर वेलोसिटी ऑफ सी होता है इसका मतलब ये जो लिंक बीसी है इसके पास में कोई भी एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगी, तो ओमेगा बीसी भी आप क्या बोल देंगे यहाँ पर जीरो हो जाएगा। और इसकी मदद से कैसे आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया है वो बात भी आपको पता है। तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन है जो कभी कभी ईएससी प्री के अंदर पूछ ली जाती है, हालांकि कहानी है कि वही वेलोसिटी ट्रायंगल बनाना है। अब वेलोसिटी ट्रायंगल बनाना आपको आना चाहिए, अगर आप बना सकते हैं तो आप बेसिकली बहुत रेयर इसके ऊपर पॉइंट पूछा जाता है, सो अगर पूछा जाएगा तो आप बड़ी आसानी से उसे सॉल्व कर देंगे, अदरवाइज यहां से प्रॉब्लम पूछे जाने के चांसेस कम ही होते हैं।
अब देखिए मान लीजिए यही वेलोसिटी ट्रायंगल, यही वेलोसिटी ट्रायंगल अगर आपसे पूछ लिया जाए सिंगल स्लाइडर के लिए, यही वेलोसिटी ट्रायंगल, तो वेलोसिटी डायग्राम फॉर सिंगल स्लाइडर जी, सिंगल स्लाइडर चेन के लिए अगर वेलोसिटी डायग्राम आपसे पूछ लिया जाए तो मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा कुछ ऐसा। ये आपके पास में ए, ये बी, ये सी और ये आ गया पॉइंट डी। तो हमने कहा कि माना कि इसके पास में जो ओमेगा अवेलेबल है वो हमारे पास में नोन है, ओमेगा ए बी जो है वो हमारे पास में नोन है, ऐसा मान लिया हमने। तो वेलोसिटी ऑफ ए या वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ये बन जाएगा ओमेगा ए बी मल्टीप्लाई बाय ए बी। मान लीजिए कि ये लेंथ जो आपके पास में है, जस्ट अ सेकेंड, मान लीजिए कि ये लेंथ जो है ये दी गई हो आपको 10 रेड, ये ओमेगा ए बी दिया गया हो आपको 10 रेडियन पर सेकेंड और ए बी आपको दिया गया हो 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना बन जाएगा 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर से सुटेबल स्केल आप लेंगे यहां पर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड इक्विवेलेंट टू 1 सेंटीमीटर, इक्विवेलेंट टू 1 सेंटीमीटर। अब देखिए सेम वही प्रोसीजर, आप सबसे पहले फिक्स पॉइंट को टारगेट कीजिए, फिक्स पॉइंट कौन है ए एंड डी। तो हमने कहा सर ये रहा फिक्स पॉइंट, ये रहा हमारा फिक्स पॉइंट और ए कॉमा डी यहां पर लिख दिया। फिर जो नॉन वेलोसिटी है उसको टारगेट करो बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो बी विद रेस्पेक्ट टू ए के लिए ए पर जाना है और ए बी बनाना है, तो ये मैं ए पर आ गया और इसके ऊपर मैंने देखा जो ए बी है वो ऐसा बनेगा, इस पर बना दो परपेंडिकुलर, ये पॉइंट आ गया आपके पास में पॉइंट बी। फिर आपके पास में बच गया सी, तो सी विद रेस्पेक्ट टू डी बनाए एंड सी विद रेस्पेक्ट टू बी भी बनाए। अब देखिए यहां कहानी में ट्विस्ट है, अगर डी के रेस्पेक्ट में सी को देखेंगे तो ये तो स्लाइड कर रहा है, तो यहां परपेंडिकुलर नहीं बनता। ऑलवेज रिमेंबर जब भी किसी पॉइंट को मतलब स्लाइडर को अगर सरफेस के रेस्पेक्ट में देखोगे तो उसके जितने भी पॉइंट है वो सरफेस के पैरेलल जाएंगे, तो जब भी सी विद रेस्पेक्ट टू डी की बात होगी डी पर जाना है और सरफेस के पैरेलल एक लाइन खींचनी है, लेकिन वही सी विद रेस्पेक्ट टू बी आएगा तो ये एक लिंक है जिसके पास ओमेगा अवेलेबल है, ओमेगा है तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर लिया जाएगा, सो सी विद रेस्पेक्ट टू बी के लिए बी पर जाना है और ये बना दिया हमने बी सी और इसके ऊपर बनेगा एक परपेंडिकुलर येलो, ये पॉइंट हो जाएगा आपका सी। तो बेसिकली ये होना चाहिए आपका वेलोसिटी डायग्राम। बोलिए क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अच्छा एक वेलोसिटी डायग्राम अब मैं आपको देता हूं, एक वेलोसिटी डायग्राम बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर मैं आपको देता हूं। मान लीजिए कुछ ऐसा है, थोड़ा सा सोच समझ के बनाना, बस जब बन जाए ना तो डल लिख के भेज देना, मैं समझ जाऊंगा बन गया। अब वो सही हो या गलत हो उसको बोर्ड से चेक कर लेना। ये ए, ये बी, ये पिन सी और ये सरफेस डी, बनाओ एक बार सभी लोग बनाओ और बन जाए तो डन लिख के भेज देना, वरना दो मिनट के बाद तो मैं वैसे भी सॉल्व करना चालू कर दूंगा।
अगर बन जाए तो आप लोग डन लिख के भेज देना, वरना एक मिनट के बाद तो मैं खुद ही सॉल्व करना चालू कर दूंगा इसे। चलिए डन, आकाश ने बना लिया। वेरी गुड। देखो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे बनाना चाहिए था आपको। सो बेसिकली आपको सबसे पहले ये 90 डिग्री है ना, बस ये चेंजेस के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए था, यहां पर फिक्स पॉइंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए था। तो आपने बोला सर ए एंड डी बोथ आर फिक्स पॉइंट, तो इसको आपने बनाया होगा कुछ ऐसे ए कॉमा डी। फिर आपने कहा कि सर अब मैं बनाऊंगा बी विद रेस्पेक्ट टू ए, बी विद रेस्पेक्ट टू ए। सो बी विद रेस्पेक्ट टू ए के लिए आपको क्या करना है, ए के ऊपर जाना है, ए पर आ गया, बी विद रेस्पेक्ट टू ए के लिए ए पर जाना है और ए बी बनाना है। ये देखो सर ए बी बना दिया, इस पर ड्रॉ कर दो एक परपेंडिकुलर, ये लो सुटेबल लेंथ का, ये आ गया पॉइंट। अब हमें बनाना है यहां पर सी विद रेस्पेक्ट टू डी एंड सी विद रेस्पेक्ट टू बी। तो सी विद रेस्पेक्ट टू डी के लिए, सी विद रेस्पेक्ट टू डी के लिए डी पर जाना है और सरफेस के पैरेलल एक लाइन खींचनी है, तो ये सरफेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। सी विद रेस्पेक्ट टू बी के लिए बी पर जाना है और बीसी बनाना है, ये बी पर आ गए और ये बीसी बना लिया और इसके ऊपर बनेगा एक परपेंडिकुलर। ये पुराने वाले परपेंडिकुलर को इसी जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट ही होगा सी। तो आप यहां पर एक बहुत अच्छा पॉइंट है जिसको ऑब्जर्व करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सी। वेलोसिटी ऑफ सी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर। वेलोसिटी ऑफ बी का मतलब है ओमेगा क्रैंक, ये जो भी ओमेगा अवेलेबल है ना, मल्टीप्लाई बाय ए बी। इसका मतलब इस सिनेरियो में स्लाइडर का जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय क्रैंक रेडियस आर, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय क्रैंक रेडियस आर। ए भी तो क्रैंक रेडियस है ना, सो स्लाइडर की वेलोसिटी यहां पर बड़ी आसानी से और डायरेक्टली दी जा सकती है जब क्रैंक 90 डिग्री पर होगा। जब क्रैंक आपका 90 डिग्री पर होगा तो बड़ी आसानी से आप यहां पर स्लाइडर की वेलोसिटी बता सकते हो। ऑनेस्टली बताइए कितने लोगों ने वेलोसिटी डायग्राम ऐसा ही बनाया करेक्ट हुआ, अगर जिनका करेक्ट हुआ वो करेक्ट लिखे, जिनका इनकरेक्ट हुआ वो आई सी, जिनका करेक्ट हुआ सी लिख दीजिए, जिनका इनकरेक्ट हुआ आई सी लिख दीजिए। ओके, इसका मतलब सभी लोगों का करेक्ट ही हो रहा है, ठीक है। करेक्ट होगा तो पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इन दो तीन कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाता हूं, फिर उसके बाद में उसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया जा सकता है। एक बार बताएंगे फ्रेम से बाहर कुछ, चलो फिर भी मैं कर देता हूं इसको अरेंज। हाँ स्क्रीनशॉट लेते जाओ जल्दी जल्दी। कोई भी स्लाइड मिस हो जाए तो बोल देना।
अब इन दो तीन कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाते हैं। कल जो मैथ्स की क्लास हुई थी उसमें मैंने काफी कुछ नए क्वेश्चंस करवाए थे, तो आप सभी स्टूडेंट्स जाके उनको देख लेना और नोट कर लेना। अगर आप उस टॉपिक को भी पढ़ नहीं पाए तो कल शायद मैथ्स की क्लास ही है, तो उसके अंदर मैं उन टॉपिक्स को भी आपको पढ़ा दूंगा। चलिए सो क्वेश्चन डिजाइन करते हैं। सो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर डिजाइन किया जा सकता है दो तीन पॉइंट्स को मिलाकर, जिसको देखकर हमको ऐसा लगेगा कि शायद बहुत ही बड़ा क्वेश्चन रहा होगा, लेकिन आप देखिए कितने अच्छे तरीके से हम लोग उसे अभी डील करने वाले हैं। देखिए ये पॉइंट है आपके पास में ए, ये पॉइंट है आपके पास में बी, पॉइंट सी डी ई एफ और जी। उसने बोला है कि इसके पास में जो ओमेगा ए बी है, ओमेगा ए बी जो आपके पास अवेलेबल है वो है 10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, यहां पर ये डिस्टेंस आपके पास में 30 सेंटीमीटर, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपके पास में 20 सेंटीमीटर, और ये फिर से 20 सेंटीमीटर, ये आपके पास में आ रही है 40 सेंटीमीटर, ये आ रही है आपके पास में 50 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर बताओ। देखो कैसे पता करेंगे, सबसे पहले चीज ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो अगर आप सिर्फ ऑब्जर्व करें ए बी डी सी को, अगर आप सिर्फ ऑब्जर्व करें ए बी डी सी को, तो जो पॉइंट है ऑब्जर्व करने वाला वो क्या है कि सर इस तरह के लिंकेज को आपने ऑब्जर्व किया और इसके अंदर बी और डी की वेलोसिटी जो है वो सेम होती है, तो पहला पॉइंट आपने क्या ऑब्जर्व किया यहां पर, वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ डी। सो वेलोसिटी ऑफ बी कैसे लिखेंगे, ये इस लिंक के ऊपर है बी पॉइंट, तो आप लिख सकते हैं ओमेगा ए बी मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ डी। सो ओमेगा ए बी आपके पास में कितना है 10, ए बी आपके पास में कितना है 30, सो ये बन गया वेलोसिटी ऑफ डी। सो वेलोसिटी ऑफ डी इक्वल्स टू 300 सेंटीमीटर पर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वेलोसिटी ऑफ सी और वेलोसिटी ऑफ ई में क्या रिलेशन है, वेलोसिटी ऑफ डी एंड वेलोसिटी ऑफ ई में। देखो वेलोसिटी ऑफ डी आप लिखेंगे ओमेगा सीई मल्टीप्लाई बाय, या आप बोल सकते हो ओमेगा सी डी मल्टीप्लाई बाय सी डी, इक्वेशन नंबर एक। वेलोसिटी ऑफ ई आप कैसे लिखेंगे, ओमेगा सीई मल्टीप्लाई बाय सीई। ओमेगा सी डी हो या ओमेगा सीई हो, लिंक तो एक ही है,
तो ये दोनों ओमेगा क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। तो अगर आप इक्वेशन नंबर दो से इक्वेशन नंबर एक को डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा बेटा VE अपॉन VD इक्वल्स टू CE अपॉन CD। अब वेलोसिटी ऑफ E आपको पता करना है, वेलोसिटी ऑफ D आपको पता चल गया 300 है, CE आपके पास में 50 है नहीं 40 है और CD आपके पास में 20 है, तो ये आ गया आपके पास में VE इक्वल्स टू 600 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अभी अभी जो वेलोसिटी डायग्राम आपने बनाया उसको उसको ऑब्जर्व करो सिंगल स्लाइडर को सी ई एफ, अगर ये 90 डिग्री होता है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी और स्लाइडर की वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। तो आप बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ई इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ एफ व्हिच इज वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर। तो ये आपके पास में एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है जिसको आपने बड़ी आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर लिया, 600 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर में बोलेगा तो 100 से डिवाइड कर देंगे। So, इस क्वेश्चन के अंदर हमने देखा है कि कैसे आपने जो वेलोसिटी डायग्राम्स बनाया है उसकी मदद से, जैसे एक तो ये वेलोसिटी डायग्राम, एक ये वेलोसिटी डायग्राम, दोनों की मदद से आपने क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। अदरवाइज आई सेंटर से अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर 6 लिंक बन रहे हैं और कहानी है वो थोड़ी सी खराब हो जाएगी, इसलिए बोला जाता है कि ये जो मैथड है थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया आपको रखना चाहिए ताकि बड़ी आसानी से आप इन सब चीजों को डील कर सके। देखिए अगर मैं बात करूं गेट एग्जाम की, तो रिसेंटली जो अभी गेट एग्जाम हुआ था उसके अंदर आपसे आई सेंटर का एक क्वेश्चन पूछा गया था, शायद कुछ ऐसा ही था, कुछ कुछ ऐसा था। सरफेस एक नंबर यहां बोला गया था प्योर रोलिंग हो रही है, प्योर रोलिंग, ये दो नंबर, ये तीन नंबर और ये चार नंबर, ये 2021 में पूछा गया था और आपसे बोला गया था कि इंस्टेंटेनियस सेंटर के लोकेशंस बताइए, ऑप्शंस दिए गए थे आपको चार। तो देखिए अब यहां पर अगर इंस्टेंटेनियस सेंटर की लोकेशन आती है तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले वन और टू इस पिन से कनेक्टेड है, सबसे पहले वन और टू इस पिन से कनेक्टेड है, तो जो भी पिन से कनेक्टेड होता है आई वन टू सी जगह पर होगा। उसके बाद में टू और थ्री पिन से कनेक्टेड है, टू और थ्री यहां पर अगर पिन से कनेक्टेड है तो ये होगा आपके पास में आई टू थ्री। उसके बाद में थ्री और फोर पिन से कनेक्टेड है तो बेसिकली ये होगा आपके पास में आई थ्री फोर। वन और फोर प्योर रोलिंग, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा आपके पास में आई वन फोर। अब अगर आप बात करें I13 के लिए तो आपको बोला गया 1, 2, 3 एंड 4। सो I13 अगर आपको लोकेट करना है तो दो पेयर बनाने पड़ेंगे 1, 2, 3, 1, 4, 3। सो पहला पेयर आएगा 1, 2, 3, दूसरा पेयर आएगा 1, 4, 3। सो 1, 2, 3 की अगर आप बात करेंगे तो ये बनेगा I12, I23, I13। सो आपने बोला सर 1, 2 कहां पर है, ये रहा, 2, 3 कहां पर है, ये रहा, तो 1, 3 भी इसके ऊपर कहीं पर होगा। फिर दूसरी साइड अगर आप देखेंगे, दूसरी साइड अगर आप देखेंगे तो ये बोल रहा है I14, I34, I13। ये बोल रहा है 14 कहां पर है, ये रहा, 34 कहां पर है, ये रहा, तो 13 इसके ऊपर कहीं होगा। तो जहां पर मिलेगा बेसिकली वो आपके लिए क्या बन जाएगा I13। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 24 के लिए, सो यहां लिख देते हैं I24। 24 के लिए दो पेयर बनाने हैं आपको, 214, दूसरा पेयर बनेगा 234। तो आपने बोला 214 से जो आई सेंटर बन रहे हैं I12, I14, I24। यहां से जो आई सेंटर बन रहे हैं I23, I34, I24। तो हमने बोला 23 कहां पर है, ये रहा, 34 कहां पर है, ये रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 24 भी इसके ऊपर कहीं पर होगा। 12 कहां पर है, ये रहा, 14 कहां पर है, ये रहा, इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा वहीं पर आपका आई सेंटर 24 होने वाला है। तो काइंड ऑफ ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया था, काइंड ऑफ ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया, अगर इस तरीके से प्रॉब्लम आती है तो कैसे आप आई सेंटर की लोकेशन फाइंड करने वाले हैं।
सो ये वो पॉइंट्स है जो आपको आई सेंटर या फिर मैं कहूँ वेलोसिटी से आपको ध्यान रखने चाहिए। अब अगर मैं बात करूं तो हमारे इस चैप्टर का दूसरा पार्ट जिससे हम लोग, अच्छा दूसरे पार्ट पे जाने से पहले मैं आपको कुछ और पॉइंट बता देता हूँ, चले पहले उसी की चर्चा कर लेते हैं। हमारे चैप्टर का दूसरा पार्ट जिससे हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन एनालिसिस, देखिए बेसिक पॉइंट आज हम लोग देख लेते हैं और जो मेन डिटेल पार्ट है वो कल ही आ पाएगा। सो अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन एनालिसिस तो मैं सिर्फ आपको एक लिंक के एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे पाऊंगा आज। सो अगर ये आपके पास में एक लिंक है, इसके पास में एक ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी अवेलेबल है, इसके पास में एक अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन अवेलेबल है। ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, अल्फा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अगर ये पॉइंट आपके पास में ओ है, ये पॉइंट अगर आपके पास में ए है, तो देखिए इस पॉइंट ए के पास में एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, पहला कंपोनेंट इधर, दूसरा कंपोनेंट इधर। इस कंपोनेंट को बोला जाता है टेंजेंशियल कंपोनेंट। ये टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है आपके पास में अल्फा मल्टीप्लाई बाय सेंटर ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस व्हिच इज ओए। सिमिलरली सेकंड वन कंपोनेंट इज रेडियल कंपोनेंट व्हिच इज ओमेगा स्क्वायर ओए। हमेशा आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे टेंजेंशियल कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा या तो इधर या फिर इधर, ये डिपेंड करता है सेंस ऑफ अल्फा कहां पर है, एंगुलर एक्सेलरेशन के एंगुलर एक्सेलरेशन का जो रोटेशन है वो कैसा है, जो सेंस है वो कैसा है। तो अगर क्लॉकवाइज है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर होना चाहिए, अगर काउंटर क्लॉकवाइज है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर होना चाहिए। बट इन केस ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर काम करेगा। रेडियल एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की साइड ही काम करेगा। तो ये आपके पास में आ गया टेंजेंशियल और ये आ गया आपके पास में रेडियल, ये दो कंपोनेंट होते हैं जो जनरली काम करते हैं अगर आपके पास में एक लिंक है जिसके पास में एंगुलर वेलोसिटी है, जिसके पास में एंगुलर एक्सेलरेशन है। लेट अस सपोज इस लिंक के पास में कोई भी एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो आपका जीरो हो जाएगा। लेट अस सपोज अगर इस लिंक के पास में ओमेगा भी नहीं है, इसका मतलब वो रोटेट नहीं कर रहा, अगर रोटेट नहीं कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में उसका रेडियल एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। तो अगर ओमेगा और अल्फा दोनों अवेलेबल है, ओमेगा और अल्फा दोनों अवेलेबल है, तो बेसिकली जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो होगा अल्फा आर, आर मतलब सेंटर ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस, और रेडियल कॉम्पोनेंट जो होगा वो होगा ओमेगा स्क्वायर आर, मतलब ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओ ए। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वो ये आता है कि सर अगर मुझे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन पॉइंट ए का फाइंड करना है तो आप ए टी और ए आर दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कर लो। सो ए एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए ये दिया जाएगा आपको अल्फा आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर, ये आपके पास में रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है डायरेक्शन। अगर आप बात करें डायरेक्शन के ऊपर तो डायरेक्शन मैंने आपको बताया, अगर AT के लिए हम लोग बात करेंगे तो AT की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए का मतलब हो जिस पॉइंट का एक्सेलरेशन लिखना, पॉइंट ए एंड सेंटर ऑफ रोटेशन, एक तो इसके परपेंडिकुलर होगा साथ में इन द सेंस ऑफ अल्फा, दूसरा होगा कि जो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है उसके सेंस में होगा। जैसे ये अगर क्लॉकवाइज है तो ये इधर परपेंडिकुलर होगा, ये अगर काउंटर क्लॉकवाइज हुआ तो ये इस साइड परपेंडिकुलर होगा। सेकंड पॉइंट इज रेडियल कंपोनेंट। सो रेडियल कंपोनेंट की अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो ये होगा ऑलवेज towards the center। ध्यान रखना ऐसा नहीं होगा कि अगर ओमेगा क्लॉकवाइज है तो towards the center, ओमेगा काउंटर क्लॉकवाइज है तो फिर ये अवे फ्रॉम द सेंटर हो जाएगा, नहीं, ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर, ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर। तो AT और A के लिए डायरेक्शन मैंने आपको बता दी, लेकिन अब अगर आपको ये जानना हो कि सर ये जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है ये कितना और कहां लग रहा होगा, तो इसके लिए आप देखिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आपको बताता हूं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अगर ये आपका लिंक है, इसका एक कंपोनेंट है ये विच इज टेंजेंशियल एंड सेकंड कंपोनेंट इज रेडियल
तो ये जो है आपके पास में, ये होने वाला है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। सो आप बोल सकते हैं कि सर ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है, या जो आप बोल सकते हो कि ये किस पर्टिकुलर एंगल पर काम कर रहा होगा, ये अगर हमें फाइंड करना हो तो इसके दो तरीके हैं। या तो आप इस 80 को यहां पर शिफ्ट कर लो, तो जब आप इस 80 को यहां पर शिफ्ट करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये आ गया आपका 80। वेक्टर्स को शिफ्ट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये जो एंगल थीटा आपके पास में, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे? आप लिखोगे टेन थीटा इक्वल्स टू, टेन थीटा आप सभी लोग जानते हैं, परपेंडिकुलर 80 डिवाइड बाय ER। सो यहां से आपके पास में थीटा आ जाएगा, थीटा इनवर्स 80 डिवाइड बाय ER। बट मेक श्योर आप वहां पर ये चीज मेंशन करें कि जो एंगल है ये है आपके पास में एंगल फ्रॉम रेडियल कॉम्पोनेंट इन काउंटर क्लॉकवाइज सेंस। देखो, रेडियल कॉम्पोनेंट से काउंटर क्लॉकवाइज। सो अगर आप बोलते हो कि सर इसकी वैल्यू आ रही है 30 डिग्री, लेट अस सपोज अगर आपके पास आंसर आया थीटा बराबर 30 डिग्री, तो आप बोलेंगे ये जो थीटा 30 डिग्री है, ये है 30 डिग्री फ्रॉम रेडियल कंपोनेंट इन काउंटर क्लॉकवाइज। अगर कोई बोलता है टेंजेंशियल से बताओ, तो आप बोलेंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री, अल्फा नहीं, अल्फा नहीं, 60 डिग्री इन क्लॉकवाइज सेंस फ्रॉम टेंजेंशियल। इसको अगर आप लिखना चाहो तो एक तरीका आपके पास में और है। आप क्या कर सकते हो, टेंजेंशियल को अपनी जगह पर रखो और इस रेडियल को शिफ्ट कर दो यहां पर ER। सो आप बोलेंगे सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन फाई इक्वल्स टू अगर आप देखेंगे तो परपेंडिकुलर कौन सा आ रहा है, AR। सो AR डिवाइडेड बाय ET। सो फाई आपके पास में क्या बन जाएगा यहां पर, टेन इनवर्स AR डिवाइड बाय ET। तो ऐसे में जो फाई है आपका वो क्या है, बेसिकली एंगल एंगल फ्रॉम टेंजेंशियल कंपोनेंट इन क्लॉकवाइज सेंस। सो मेक श्योर कि आप जो एंगल फाइंड कर रहे हैं वो कहां से फाइंड कर रहे हैं। लेट अस सपोज अगर यही सेम प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे तो फाई आएगा आपके पास 60 डिग्री। क्यों आएगा? क्योंकि सर है तो दोनों का सर 90 डिग्री ना, थीटा प्लस फाई हमेशा 90 डिग्री रहेगा ही। सो अगर ये 30 डिग्री आ रहा है, तो आप बोल सकते हो रेडियल कॉम्पोनेंट से 30 डिग्री बना रहा है रिजल्टेंट। अगर कोई बोलता है टेंजेंशियल से बताओ, तो टेंजेंशियल से 60 डिग्री बनाने वाला है, वो भी कैसा, क्लॉकवाइज, यहां से कैसा, काउंटर क्लॉकवाइज। So, ये एंगल जो है ये आपको थोड़ा सा समझदारी से डील करना होता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि लाइक मैथमेटिक्स समझ के आप वैल्यू फाइंड कर लो, और वैल्यू फाइंड करके आपको पता चले कि हमने वैल्यू तो फाइंड कर ली पर ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये लोकेशन जो है ये कहां से मेजर करनी है। अगर आप बोल रहे हो 30 डिग्री, तो आपको पता होना चाहिए 30 डिग्री कहां से ले रहे हो, वर्टिकल से 30 डिग्री, कैसे, इस सेंस में या फिर इस सेंस में। तो ये भी आपको वहां पर मेंशन करना पड़ता है। सो यहां पर मैंने एक लिंक के केस में आपको रिजल्टेंट एक्सेलरेशन भी बता दिया, उसके लोकेशन भी बता दिया। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक बार आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इसको मिला देना ऊपर, है ना। चलिए, सो पॉइंट क्लियर हुआ।
तो बेसिकली पूरी थ्योरी ऑफ मशीन में अगर आप देखेंगे तो ये जो चैप्टर है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इसको आप जितना समझदारी के साथ में हैंडल करेंगे, जितना अच्छे से समझेंगे, जितने इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स में एक मैकेनिकल का ग्रुप भी है, सो आज जो मैथ्स वाला ग्रुप है उसके अंदर मैकेनिकल वाले ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप लोग उसके अंदर आ जाओगे तो मैं गेट के PYQ शेयर कर दूंगा उसके अंदर, जो कि पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है। तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा, थोड़ा सा आइडिया भी आएगा आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जहां तक मुझे लगता है आप में से जो वाकई में सीरियस होकर गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब तक तो उन्होंने बुक मंगवा भी ली होगी, कहीं ना कहीं से अरेंज भी कर ली होगी, पुरानी नई जैसी भी हो। तो अगर आपके पास PYQ बुक है तो बहुत ही अच्छी चीज है, आप उसको सॉल्व कीजिए। अगर PYQ नहीं है तो फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जो मैकेनिकल का ग्रुप है, तो वहां से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल उसी तरह का एग्जाम में आता है और वो क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। शाम को 8 बजे मिलेंगे हम लोग मैथमेटिक्स की क्लास में, और कल सुबह 8 बजे वापस हम लोग इसी टाइम पर गूगल मीट पे मिलने वाले हैं, और उसके अंदर हम लोग कल भी मैथमेटिक्स की चर्चा करेंगे सुबह। ठीक है, थैंक यू।